बसमिलीम अल्कुम मेरा नाम जवाब तााहिर है और मैं आपको अपने चैनल करीन पाकिस्तानी में खुश आमदीद कहता हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि फौजी फाउंडेशन के अंदर जो जॉब्स आई थी उनके जो टेस्ट हैं वो पंद्रह और सोलह तारीख को होने जा रहे हैं एक दो दिन ये जाहिर सी बात रह गए आज वो चौदह तारीख होगी तो अभी जो कल और परसों टेस्ट होंगे तो लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि इसके टेस्ट की कैसी तैयारी करें इसका पैटर्न कैसा होगा तो इस वाले से आज मैं आप लोग मुझे वो गाइड करने जा रहा हूँ तो इस वाले से कोई इस तरह तो मैं बात नहीं करूँगी सौ ऑफिस जो मैं कह रहा हूँ इसी तरह ही होगा ये जो मेरे सोर्स हैं बेसिकली जो एक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी रिस्पेक्टेड मेंबर हैं एक उन्होंने जो है मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि वो जो है फौजी फाउंडेशन में जो होती हैं तो उन्होंने जो है इस वाले से इंफॉमेशन दी है कि टेस्ट का पैटर्न जो है वो किस हवाले से होगा तो इसमें उन्होंने जिस तरह बताया कि जो है वो सौ नंबर का पेपर होगा इसमें और ये पेपर जो एम सी की उस टाइप नहीं होगा इसमें ज़्यादातर शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप जो वो पेपर होगा इसका तो ये सारा जो पेपर होगा ये मास्टर लेवल का जो आपका सब्जेक्ट है किया मास्टर में आपने जो इंग्लिश पढ़ी हो तो इंग्लिश का जो पोर्शन होगा अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा तो कंप्यूटर होगा अगर आपने इस्लामियात पढ़ी है तो इस्लामियात का जो है वो पोर्शन उसके अंदर जो है वो शामिल होगा तो इसमें जो है वो अगर सौ नंबर है तो इंग्लिश के वाले से अगर कोई बंदा एम ए इंग्लिश है तो उसके हवाले से अगर बात करूँ तो पचास नंबर के जो है वो एक जर्नल इंग्लिश होगी जिसमें जर्नल में पूछा जा सकता है कि एक्टिव वाइज एक्टिवाइज वाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रपोजिशनस कोई ऐसे वगैरह पूछा जा सकता है उसके ऊपर जो है वो लिख करते थे और जो पचास नंबर का जो इंग्लिश का जो दूसरा सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन होगा तो उसमें जो शेक्सपियर और बाकी जो भी पोइट्स वगैरह नावल्स ड्रामाज प्लेस जो भी हैं सारी चीज़ें है तो उसके अंदर जो है वो मास्टर लेवल के अंदर से जो है क्वेश्चन किए जाएंगे तो बेसिकली इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि आप अपने जो मास्टर लेवल के सब्जेक्ट है उसको सही से प्रिपेयर करें सर नहीं होगा कोई मैट्रिक लेवल से आए या एफ एफ एस सी लेवल से आए आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने मास्टर लेवल को जो प्रिपेयर करें जाहिर सी बात है अभी टाइम तो इतना नहीं है बस आपने थोड़ा बहुत जो जितना आप कर सकते हैं जितना आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत आपने उसको जो है वो रिवाइज कर लेना है तो इसके अलावा जो है वो इसमें जो है वो टेक्निकल राइटिंग के हवाले से अगर कोई इंग्लिश का ऐसा ऐसे आएगा तो क्रिएटिव थिंकिंग के हवाले से भी कुछ ऐसा कोई ऐसे नाम से पूछा जा सकता है जिसमें आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग चेक की जा सके आपका एनालिसिस पावर चेक की जा सके कि आप किस तरीके से जो है वो कोई राइटिंग जो है वो कर सकते हैं तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको जो है उस सिलेबस के बारे में बताया तो आप इसी हिसाब से जो प्रिपेयर हो कि जाएँ तो कुछ लोग इस वाले से परेशान के अभी तक मैं जो स्लिप्स वगैरह जो वो नहीं मिली या उनको मैसेज नहीं मिले तो मेरे ख्याल में तो ये है कि उनके जो है वो लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई थी इस वजह से उनको बाद में जो है उनकी टेस्ट लिए जाएंगे बाद में उनकी डेट्स आएंगी लेकिन फिर भी आप जो है मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक नंबर देने जा रहा हूँ वो ऑफिशियल नंबर जो है वो फौजी फाउंडेशन वालों के आप उस पर भी जो है वो कॉन्टैक्ट करके जो है वो पता कर सकते हैं इस टेस्ट के वाले से ये मज़द आपको अथेंटिक न्यूज़ जो है वो उधर से जो है वो मिलेगी तो उम्मीद है कि आपको जो है वो कुछ ना कुछ हद तक जो है वो क्लेरिफिकेशन होगी होगी कि हमारा जो टेस्ट होने जा रहा है वो किस तरीके से होगा और उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें आपसे जो है आप वो पूछी जा सकती हैं अगर तो आपके जहन में कोई भी और कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा गुड बाय अल्लाह हाफि